अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा राजधानी दिल्ली से शुरू हो रही है और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लोक नृत्य किया जा रहा है, उसके पीछे धूप दिखाई जा रही है, नृत्य के नगाड़े बज रहे हैं और इसके पीछे आ रही है पालकी, पालकी जिसमें जो है विराजमान की जाएंगी माँ अन्नपूर्णा और उसके बाद एक खास वाहन से उनको लेकर के जाया जाएगा। काशी शोभा यात्रा वहाँ पर शुरू हो गई है और काशी यानी कि बनारस ले जाया जाएगा माँ अन्नपूर्णा को। और आप देखिए आदेश गुप्ता यहाँ पर पालकी उठाते हुए नजर आ रहे हैं हमें और यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं क्योंकि जो धरोहर है धरोहर देश की वापस आई है। दरअसल कनाडा में यहाँ पर चोरी हो गई थी, जो कनाडा ले जाई गई थी ये मूर्ति, जिसके बाद उसको यहाँ पर वापस लाया गया है और उसके बाद इसको एक खास गाड़ी में खास रथ में विराजमान किया जाएगा और उसको विराजमान करने के बाद ये रथ यात्रा शोभा यात्रा शुरू होगी जो कि लगभग 15 नवंबर को बनारस में यहाँ पर विसर्जित की जाएगी। बनारस में फिर माँ अन्नपूर्णा की ये जो मूर्ति है वो भी यहाँ पर विराजमान की जाएगी बनारस में। और देखिए किस तरह से मूर्ति आ रही है, मूर्ति यहाँ पर देखिए किस तरह से मूर्ति को लेकर के लोग आ रहे हैं और यहाँ पे विसर्जित की जा रही है, विराजमान की जा रही है रथ में। शोभा यात्रा शुरू हो गई है, अब ये शोभा यात्रा आगे देखिए किस तरह से पूरा रथ को मंदिर का रूप दिया गया है और सजाया गया है फूलों से, लोग धूप दिखा रहे हैं। आगे देखिए किस तरह से इस मूर्ति को ऊपर रखा जा रहा है, उसको विराजमान किया जा रहा है। लगभग 1.5 साल पुरानी मूर्ति है, देश वापस लौटी है, देश की धरोहर और देश की धरोहर 1.5 साल पुरानी ये धरोहर जो गायब की गई थी बनारस से, जिसको अब वापस लाया गया है हिंदुस्तान दिल्ली में 15 अक्टूबर को। 1.5 साल पुरानी माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति को भारत वापस लाया गया है। इस मामले में हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री मंगल पांडे जी मौजूद हैं। सर आज इतना बड़ा दिन है लेकिन इस बड़े दिन पर भी लोग राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे सलमान खुर्शीद ने ISIS से कंपेयर कर दिया है हिंदुत्व को, क्या कहना चाहेंगे? उनका बयान अत्यंत निंदनीय है और सलमान खुर्शीद जी को हिंदुत्व की सही अर्थों में कोई समझ नहीं है, भले ही वरिष्ठ अधिवक्ता रहे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। कांग्रेस को उनके बयान पर सार्वजनिक देशवासियों से क्षमा मांगना चाहिए। और भी हम देख रहे हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो चाहे वो प्रणब मुखर्जी हो, लगातार हमले बोल रहे हैं, ये दल जनता में अस्वीकार हो गए हैं, इस नाते ये इनकी बौखलाहट बोल रही है। नरेंद्र मोदी जी का जो युग है वह व्यापक उदार युग है, सभी धर्मों के प्रति नरेंद्र मोदी जी के दिल में सम्मान रहता है और सारे देशवासियों को साथ लेकर के वो अपनी पहले करते हैं और वह इन सबको, चूंकि ये जनता में अस्वीकार है इसलिए उनको पच नहीं रहा, इसलिए ऐसे अनाप शनाप बयान देते हैं। मैं यही अपील करूंगा आपके माध्यम से, इन बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। आज इस धरोहर को वापस लाया गया है, उस बारे में? ये बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण दिन है, नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। और यह माँ अन्नपूर्णा जहाँ धन धान्य परिपूर्ण में हम सबको देशवासियों को आशीर्वाद देंगी, वहीं भारत, यह भारत केवल भौगोलिक देश नहीं है, ये भारत संस्कारों का, भारत एक बड़ी विशिष्ट परंपराओं का, अपने अनेक अमूल्य धरोहरों का देश है। उसमें से अमूल्य धरोहर और 100 वर्ष से भी अधिक समय से वहाँ चुरा के ले जाई गई थी, उसे लाया जाना एक तरह से भारतीय सामर्थ्य, भारतीय धरोहरों का पुनर्स्थापन, यह भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव और बहुत ही पवित्र महत्वपूर्ण दिन है। सलमान खुर्शीद की टिप्पणी पर मंगल पांडे जी का ये कहना था कि इस तरह के बयानों का गंभीरता से ध्यान से नहीं देना चाहिए और इस तरह के बयानों को का कोई मतलब नहीं होता है। और साथ ही साथ जो अन्नपूर्णा माँ की मूर्ति वापस आई है एक ऐतिहासिक कदम है और इसके लिए वो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ इलाका आजमी, ABP न्यूज दिल्ली। We'll be right back.
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।